स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। मोटिवेशन टेक्निक इन स्पोर्ट्स, खेलों में अभिप्रेरणा, प्रेरण या अभिप्रेरण की तकनीकें। व्यक्ति को प्रेरित करने की बहुत सी विधियां हैं, परंतु ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। वे विभिन्न पृष्ठभूमि से होते हैं और उनका आचरण और व्यवहार अलग अलग होता है। उनके रहन सहन व लाइफस्टाइल सबकी अलग अलग होती है, इसलिए इनके साथ अलग अलग ढंग से व्यवहार करना पड़ता है। किसी एथलीट या व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित तकनीक अपनाई जाती है। गोल सेटिंग, मोटिवेशन टेक्निक इन स्पोर्ट्स, गोल सेटिंग, रेनफोर्समेंट, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, रिवार्ड्स, जॉब, सोशल अवार्ड्स, पॉजिटिव टॉक, द प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनवायरनमेंट, रोल ऑफ मास मीडिया, रोल ऑफ स्पेक्टर्स, ग्रेडिंग्स ऑफ प्लेयर्स, लक्ष्य की स्पष्टता, प्रबलन, उन्नति की जानकारी, पुरस्कार, नौकरियां, सामाजिक पुरस्कार, सकारात्मक बातें, उत्तम गुणवत्ता सामान उपलब्ध कराना, सकारात्मक मनोवृत्ति और पर्यावरण, प्रसार के साधनों की भूमिका, दर्शकों की भूमिका, खिलाड़ियों का वर्गीकरण या ग्रेडिंग करना। गोल ऑफ सेटिंग, लक्ष्य की स्पष्टता, किसी भी व्यक्ति या खिलाड़ी को अपने लक्ष्य के विषय में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्या करना है, कैसे करना और क्यों करना है। अगर ये तीन चीज़ एथलीट के मन में स्पष्ट होगी तो एथलीट की अभिप्रेरणा में कोई मुश्किल नहीं होगी और यह सभी कामों को लक्ष्य के अनुसार करता रहेगा। व्यक्ति को गतिविधियों को करने और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानसिक रूप से तैयार होना अति आवश्यक है। लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं होना चाहिए, यह एथलीट को की पहुंच में होना चाहिए। व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति के लाभ भी पता होने चाहिए। नंबर टू, प्रबलन, रेनफोर्समेंट, प्रबलन ऐसे परितोषित एवं दंडों का उपयोग है जिनके जरिए भविष्य में किसी खास क्रिया को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रबलन का उपयोग दोस्त ऐसे किया जाता है, सकारात्मक दृष्टि और नकारात्मक दृष्टि। सकारात्मक दृष्टि उचित व्यवहार को पुरस्कृत करने पर जोर देता है, इससे उस व्यवहार के दोबारा किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। नकारात्मक दृष्टि अनपेक्षित व्यवहार को दंडित करने पर जोर देता है और इससे भविष्य में इन व्यवहारों में कमी आने की संभावना होती है। अधिकांश कोच अनुदेशक मिश्रित रूप से सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही व्यवहार को उपयोग में लाते हैं। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, उन्नति की जानकारी, एथलीट को अपने विषय में और अपनी अक्षमता, गुणों, व्यवहार आदि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। नियत काल के सकारात्मक नतीजे बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति का कार्य करते हैं। अगर नियमित व्यायाम करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आने के चांस ज़्यादा है। व्यक्ति को समय समय पर उनकी उन्नति के बारे में बताते रहना चाहिए। उन्नति की जानकारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्नति भी अपने आप में एक पुरस्कार है। नंबर फोर, रिवार्ड्स, ये बाद की उन्नति और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लाभदायक होते हैं। ये खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए अति लाभदायक होते हैं। कई प्रकार के पुरस्कार और नगद इनाम बड़ी प्रेरक शक्ति का कार्य करते हैं। नंबर फाइव, नौकरियां, जॉब्स, विशिष्ट खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरियां दी जा सकती है। कई विभाग जैसे विभिन्न राज्यों में पुलिस विभाग, भारतीय रेलवे, बैंक, एयर इंडिया आदि अच्छे खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करता है। सोशल अवार्ड्स, सामाजिक पुरस्कार, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ियों, उन्होंने जिन्होंने विभिन्न खेलों में देश के लिए सम्मान अर्जित किया हो, के लिए पुरस्कार की घोषणा करती है। उनको अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के लिए भी कुछ विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। नंबर सेवन,
पॉजिटिव टॉक, सकारात्मक बातें। कोचों या अध्यापकों द्वारा की गई सकारात्मक बातें भी व्यक्ति को प्रेरित करने की उत्तम विधि है। ये एथलीट को अपनी सोच और व्यवहार को बदलने में सहायता कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह खिलाड़ियों और एथलीटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निचले स्तर पर यह अभिप्रेरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। द प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, उत्तम गुणवत्ता का सामान उपलब्ध कराना। खिलाड़ियों तथा एथलीटों को उत्तम गुणों का सामान उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे एथलीट को खेल चोटों से बचने में सहायता मिलेगी और यह बिना किसी परेशानी के अभ्यास का उत्तम और आसान तरीका है। अच्छी गुणवत्ता का सामान प्रतियोगिता को गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि पुराना या कम गुणवत्ता वाला सामान व्यक्ति की रुचि को कम कर देता है। नंबर 9, सकारात्मक मनोवृत्ति और पर्यावरण, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ इन्वायरमेंट। किसी सफल सिखलाई कार्यक्रम के लिए सकारात्मक मनोवृत्ति या पर्यावरण होना बहुत आवश्यक है। कोच या परीक्षार्थी में एक दूसरे के प्रति गतिविधि के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति होनी चाहिए। महत्वपूर्ण पर्यावरण एथलीट को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 10, रोल ऑफ मास मीडिया, प्रसार के साधनों की भूमिका। खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए टेलीविजन अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब मीडिया खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रसारण या पहचान देता है, तो उससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। रोल ऑफ स्पेक्टर्स, दर्शकों की भूमिका। खिलाड़ियों को प्रेरित करने में दर्शकों की भीड़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दर्शकों द्वारा दी गई अच्छी और सकारात्मक प्रतिक्रिया खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 12, खिलाड़ियों का वर्गीकरण या ग्रेडिंग ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत करना ही खिलाड़ियों को प्रेरित करने की में सहायता करता है। सभी खिलाड़ी उत्तम ग्रेड प्राप्त करने के लिए अपना उत्तम प्रदर्शन करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।